गुड मॉर्निंग एंड लेट्स सेलिब्रेट। दोस्तों मेरा नाम अनुराग अग्रवाल है और मैं पिछले करीब 18 सालों से ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि कैसे अपने बिजनेस को डेवलप करना है और कैसे आपको मंच पर आकर लोगों को एड्रेस करना है। इन कोर्सेज को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऊपर लिखे हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, और अगर वीडियो चाहते हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है रेड कलर का उसको आप क्लिक कर दीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसको आप क्लिक करना मत भूलना। और आज का टॉपिक है कि हम लोगों ने किस प्रकार से कॉम्पिटिशन को बीट करना है। कॉम्पिटिशन सीरीज की पहली वीडियोज मैं आपको देने जा रहा हूँ। देखो, इससे पहले कि मैं कॉम्पिटिशन को बोलूँ, आपको बताऊँ कि कॉम्पिटिशन को कैसे बीट करना है, कैसे अपने प्रतिद्वंदी से, अपने कंपेटिटर से आगे निकलना है, उससे पहले मैं हमेशा एक बात कहता आ रहा हूँ साहब, कि किसी भी ढंग से ऐसी फील्ड में बच जाइए जहाँ पर हर एक कोई है, आपके सक्सेसफुल होने का, आपके सफल होने का चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि उस फील्ड के अंदर बहुत सारे लोग हैं। आप क्या नया लेके आ सकते हो, क्या नया कर पाओगे? आप लोग नया कर पाओगे अगर सोच सकते हो तो बात है, या तो आप कुछ नया लेके आइए, अगर नया नहीं है तो वहाँ पर सब के सब एक दूसरे से, हर टॉम डिक एंड हैरी वहाँ पर है, हर एक कोई इंसान उसके अंदर आ सकता है। अगर आ सकता है तो क्यों जाते हो आप ऐसी जगह पर जाइए जहाँ पर हर एक कोई नहीं है, कुछ ऐसी चीज। अच्छा अनुराग, ये बताओ कि नई चीज़ होगी क्या भाई? वही सूट हो सकता, वही शर्ट हो सकती है, वही ग्लास, वही यूटेंसिल्स हो सकते हैं, वही ग्लास, वही प्लेट, वही चम्मच। देखिए, मान लीजिए आप बर्तन मैन्युफैक्चर हैं, आप क्यों नहीं कुछ ऐसी चीज लेके आते जो कि औरों के पास नहीं है? क्यों नहीं आप ऐसी प्लेट लेके आते, ऐसा ग्लास लेके आते, ऐसे चम्मच लेके आते जो कि एडिबल हो, कि इंसान ने उसके ऊपर खाया और खाने के बाद उसी को खा लेगा वो। ये थोड़ा सा महंगा होगा। एडिबल ग्लास, प्लेट, चम्मच, यूटेंसिल्स जो हैं, जो कि आप उसमें अगर खाना परोस के देते हो, और वो जो है हो सकता है आपकी कॉस्ट को थोड़ा सा बढ़ा दें। कितना बढ़ा देंगे? 30-40-50-60-70 रुपये। लेकिन वो एक अलग हट की चीज़ होगी, ऐसी चीज़ जो कि और किसी के पास नहीं है। आपको थोड़ी सी हंसी आ रही होगी कि ये प्लेट, चम्मच और ग्लास एडिबल, क्या बेकार का एग्जांपल दिया है? जी नहीं, मैंने कोई बेकार का एग्जांपल नहीं दिया। मैंने तो एक वीडियो देखी है, मैंने तो शार्क टैंक का एक एपिसोड देखा है। अगर आप देखते हैं शार्क टैंक, नहीं देखते तो जाके देखिए शार्क टैंक को, अमेरिका में होता है। और शार्क टैंक के अंदर बिल्कुल वहां से ही मैंने एग्जाम्पल लिया है कि किस ढंग से वहां पर भी तरह तरह की नई चीजें आ रही है मार्केट के अंदर। वहां पर हर इंसान, हर स्टार्टअप जो है नई से नई चीजें लेके आता है तो वही रह सकता है मार्केट के अंदर। वहाँ का ये आइडिया है कि वहाँ पर एडिबल ग्लास, प्लेट, चम्मच, यूटेंसिल्स वहाँ पर आए हैं मार्केट के अंदर, और उसको इंसान उसके ऊपर रेस्टोरेंट में खाना खाता है, खाना खाने के बाद उसको चाहे थोड़ा बहुत भी खा पाता है, लेकिन वो एक एज मिल जाता है उस रेस्टोरेंट वाले को, उस होटल को एक एज मिलता है कि हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे कंपेटिटर के पास नहीं है। नतीजा, आपकी चीज़ बिकती है और आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो इस ढंग से क्या आप नया सोच सकते हो? अगर आप नया सोच सकते हो, आपके लिए मार्केट है। मैं अपनी कितनी ही वीडियो में कह चुका हूं साहब कि अगर आपके पास कोई ऐसी चूहेदानी है जो औरों के पास नहीं है, तो उस चूहेदानी को लेने के लिए इंसान आपको जंगल तक खोजता हुआ पहुंच जाएगा। क्या आप सोच सकते हो? या आपको फिर उसी जगह पर जाना है जहां पर सब लोग बैठे हैं, सब के सब लोग एक दूसरे का खून पी रहे हैं, सब के सब आगे निकलने के चक्कर में एक दूसरे का गला काट प्रतियोगिता है, सब के सब लगे हैं, आपको वहीं पर जाना है, मर्जी आपकी है। तो मैं आपके पास लेके आया हूं कि किस प्रकार से अगर आप उसी प्रोफेशन में हैं जहां पर सब के सब हैं, सब के सब कंपेटिटर हैं, उसी जगह पर जाके आपको रहना ही है, क्योंकि आप कई सालों से, 10 साल से 20 साल से 30 साल से आप हैं, तो आखिरकार आप करें तो करें क्या? कि आप बिजनेस को छोड़ के जा सकते हैं? नहीं जा सकते, क्योंकि सालों आपके लग चुके हैं, लाखों करोड़ रुपए आपका लग चुका है। तो अनुराग, अब मुझे ये बताओ कि किस प्रकार से मैं यहाँ पर जिस एग्जिस्टिंग बिजनेस में हूँ और मैं छोड़ के जा नहीं सकता, तो यहाँ पर कुछ ऐसा क्या करूँ जिससे कि मैं कंपेटिटर को अपने प्रतिद्वंदी को पीछे रख करके मैं आगे बढ़ सकूँ? तो चलिए, मेरे पास कुछ एक आपके लिए सजेशन है, चलते हैं हम लोग। आपको याद है मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से 1993 में, अब से करीब 25 साल पहले, मेरे एक कंपेटिटर ने मेरे सारे के सारे टॉप मैनेजमेंट को, मेरे एजेंट्स को, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स को, मेरे चैनल पार्टनर्स को, सबको खरीद लिया था उसने। 4 साल तक इस बात को लेकर मैं भुनता रहा। नतीजा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या ये मेरे साथ में जो हुआ पहली बात है? क्या पहली बार मेरे साथ में हुआ है? क्या और के साथ में नहीं होता? हर एक के साथ में हो सकता है, आपके साथ में भी हो सकता है। सबसे पहले ये समझ रखिए कि आपका अगर एम्प्लॉय टूट करके कोई आपका कंपेटिटर जो आपका प्रतिद्वंदी है, आपका साथ वाला है, अगर वो तोड़ करके लेके जाता है, तो उसे भूनने की जरूरत नहीं है। अकल को रखो, क्योंकि एवरीथिंग इज फेयर इन लव और इन कॉम्पिटिशन। प्यार का मैदान हो या लड़ाई का मैदान हो या फिर कॉम्पिटिशन हो, सब कुछ जायज है। Do unto others before others do unto you. इससे पहले कि कोई इंसान आपके साथ में करे, साहब ये गला काट प्रतियोगिता है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, इसमें वो इंसान जो शर्म करता है वो कभी सर्वाइव नहीं कर सकता। मैंने शर्म की, मैं एक टिमिड था, मैं नहीं कर सकता था, किसी और ने किया, वो मेरी लाश के ऊपर, मेरे शरीर के ऊपर रख करके पैर आगे निकल गया।
अगर आप इसी प्रकार से चुप रहे तो कोई ना कोई आपका प्रतिद्वंदी, कोई ना कोई आपका कंपेटिटर आपके एम्प्लॉयज को, आपके मैनेजमेंट को, आपके एजेंट को तोड़ के लेके जाएगा। तो सबसे पहले एक संज्ञान, एक लर्निंग आप ले लीजिए कि किसी प्रकार से मैंने सख्त नहीं करना, मैंने सड़ना नहीं है अगर मेरे एम्प्लॉय को मेरा कोई कंपेटिटर लेके जाता है, बल्कि आपको कोशिश करनी है कि अगर मुझे आगे बढ़ना है, सब कुछ जायज है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव वॉर एंड कॉम्पिटिशन, मुझे उसके एम्प्लॉय को पहले तोड़ना है। इस ढंग से ऑफेंसिव रहोगे कंपटीशन में, वो इंसान जो डिफेंसिव रहता है वो सर्वाइव नहीं कर पाता। अगर आप ऑफेंसिव हो और आपकी फील्ड के अंदर इस प्रकार से इतना ज्यादा कंपटीशन है कि हर एक को एक दूसरे के एम्प्लॉय को तोड़ता है, तो तोड़ो, आगे निकले साहब। मैंने अभी आपको कहा कि अगर आपका कंपेटिटर आपके एम्प्लॉयज को तोड़ता है तो इसमें अशांत होने की जरूरत नहीं है, और साथ में आपको अगर मौका मिल सके तो अपने कंपेटिटर के एम्प्लॉयज को आप तोड़ सकते हैं। लेकिन उसके साथ में मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं, और वो है कि अपने जो कंपेटिटर है आपका, उसके ऊपर पूरा स्पाई करके रखो, उसको पूरा नजर करके रखो, देखो कि उसकी क्या क्या जगहों पर वो आपसे आगे है, क्या उससे आप कुछ लर्न कर सकते हो, उसकी कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऐसी है, कोई आपका उसका कोई तरीका ऐसा है कि एम्प्लॉयज़ को मैनेज करने का उसका तरीका ऐसा है, या आपने अपने चैनल पार्टनर्स को कैसे करता है, उससे देखो उसकी क्या क्या वो स्कीम्स लेके आ रहा है, क्या क्या ऑफर्स लेके आ रहा है। अगर आप उसको ढंग से वॉच करोगे, स्पाइक करते रहोगे, हमेशा स्पाइक करना पड़ेगा आपको, हर वो अच्छी चीज़ जो आपका कंपेटिटर कर रहा है उसको देखो, और हर वो जगह पर जहाँ पर वो गलतियाँ कर रहा है उससे भी आपने लर्निंग लेनी है, ताकि आपने वो गलती खुद नहीं करनी। हाँ, यहाँ पर एक बात और कहता हूँ मैं आपको कि आपका जो कंपेटिटर है अगर वो अच्छी चीज़ कर रहा है तो ये मत समझना कि जैसा वो कर रहा है एग्जैक्टली वही कॉपी मुझे करनी है। कॉपी तो वैसे मैं करना नहीं चाहता कि आप, या कहना ही नहीं चाहता कि ऐसी कॉपी कोई आप करें, इमिटेट नहीं करना है, लेकिन उससे लर्निंग लेनी है, और लर्निंग लेके अपने तरीके से आपने उसको निकाल के लेके आना है। इसलिए नहीं कि इमिटेशन है, इसलिए भी क्योंकि जो चीज़ आपके कंपेटिटर के लिए है, जो स्ट्रेटजी उसके लिए है, जो तरीका वो लेके आ रहा है, एग्जैक्टली वही कॉपी अगर आप अपने प्रोफेशन में रहते हुए करेंगे, चाहे आप उसी फील्ड के अंदर हैं, उसी माल को आप बनाते हैं, एग्जैक्टली उसी की कॉपी अक्सर देखा गया कि वो नहीं चलती। तो आपको उसकी स्ट्रैटेजी से लर्न करके उसको धीरे धीरे इंप्लीमेंट कीजिए, अपने हिसाब से उसको चेंज कीजिए, उसका अपने हिसाब से मोल्ड कीजिए, और नया कुछ लेके आइए, उससे भी आप लर्न कीजिए, जो आपके पास अपना है, अपना जो एक्सपीरियंस है, जो आपकी खुद की स्ट्रैटेजी है, उन सबको मिलाइए, मिलाने के बाद उसको लेके आइए। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कुछ नया निकल के आएगा। तो आपको क्या करना है, हमेशा अपने कंपेटिटर के हर एक अच्छे और हर एक खराब स्टेप को आपने वॉच करना है, स्पाई करना है। मैंने आपको कहा कि आपको स्पाई करना है अपने कंपेटिटर पर, लेकिन वहीं पर यह भी ख्याल रखिएगा कि हो सकता है जो आपका कंपेटिटर है, आपका जो प्रतिद्वंदी है, वो भी कोई कम खेला खाए तो नहीं होगा, वो भी कोई कम स्मार्ट तो नहीं होगा, क्या वो आपको वॉच नहीं कर रहा होगा, क्या वो आपकी तरफ नहीं देख रहा होगा। अगर आपकी पोजिशन उससे नीचे है तो हाँ, हो सकता है वो आपको वॉच न कर रहा हो, लेकिन अगर आपकी पोजिशन उसके साथ में है या एक स्टेप ऊपर एक स्टेप नीचे हो, तो आपको ज़रूर वॉच कर रहा होगा। यहां से आपने एक तो सबसे पहले लर्निंग लेनी है कि आपको हमेशा अपने से नीचे वाले को नहीं देखना, अपने से ऊपर वाले को देखना है, ऊपर से ऊपर जो भी आपकी टॉप पोजीशन पे है उससे आप लर्न कीजिए, नंबर टू से नंबर थ्री से आप लर्न कर सकते हैं कि वो उनकी स्ट्रेटजीज क्या है। लेकिन वहीं पर ख्याल रखिए, जिस प्रकार से मैंने कहा कि आपको उनकी स्ट्रेटजीज को वॉच करना है, स्पाई करना है, हो सकता है वो आपको वॉच कर रहा हो। अगर वो आपको वॉच कर रहा है, वो आपको स्पाइक कर रहा है, तो आपको बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल रहना है। आपको इस ढंग की अपनी स्ट्रेटजीज को रखना है, इस ढंग से अपने तरीकों को रखना है, अपनी सेल को, अपने सब एम्प्लॉयज़ को इस ढंग से आपने इंटैक्ट करके रखना है कि उसको पता ही ना लग पाए कि आपकी स्ट्रेटजी है क्या, आपकी मूव है क्या। आप क्रिकेट का गेम उठा के देख लीजिए, अगर बॉलर को पता लग जाए कि बैट्समैन की जो सेट पैटर्न्स क्या हैं, वो ऑन साइड मजाक खेलता है, वो ऑफ साइड मजाक खेलता है, अगर उसको पता चल जाए कि उसके सेट पैटर्न्स क्या है, तो उसको आउट करना बहुत आसान हो जाता है। क्रिकेट क्या, फुटबॉल क्या, हॉकी क्या, हर गेम के अंदर अगर ओपोनेंट को पता हो कि इस प्रतिद्वंदी टीम की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, तो उससे वो फायदा उठा सकता है। इसी ढंग से आपका कंपेटिटर आपका आपको लेकर के वो फायदा उठा सकता है। तो आपने इस ढंग से अपने मूव को रखना है कि ताकि वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल हो, उसको जज ना किया जा सके, और आपके गलतियों से और आपकी अच्छाइयों से आपकी सक्सेस से वो ना लर्न कर पाए। हम लोग बात कर रहे थे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है क्या वो हैकनेट तो नहीं हो गई, क्या वो जंजीर तो नहीं है, पुरानी तो नहीं है, साहब इनको आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को ये टाइम था जब
20 साल तक 30 साल तक आपकी एक ही स्ट्रेटजी चल सकती थी, लेकिन अब नहीं चलती, आपको उसका कॉन्स्टेंटली चेंज करना पड़ेगा। अगर वो स्टेल हो चुकी है तो उसका क्या दम कीजिए। मैं मानता हूँ नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी को, नए तरीकों को लेने से उसके अंदर आपको अंधेरा मिल सकता है, गलियारा अंधेरा है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा उसके अंदर रिस्क आपके इन्वॉल्व हो सकते हैं, आपको रिटर्न कम मिलेगी, नुकसान ज़्यादा हो सकता है, लेकिन चेंज तो करना ही पड़ेगा। सड़क के बीच में अगर आप खड़े रहेंगे तो कोई ना कोई व्हीकल आपके ऊपर से जाएगा ही जाएगा, तो आपको तो चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके प्रॉफिट्स वो नीचे डंप करेंगे करेंगे, नीचे स्लिट करेंगे करेंगे। आपको अपने आप को चेंज करना है, अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज करना है, अपने तौर तरीकों को चेंज करना है, आपको मैनेजमेंट को सीखना है, सब कुछ आपको करना पड़ेगा। इसी को धंधा कहते हैं, इसी को बिजनेस कहते हैं। वो दिन गए 70s के 80s के, जिसमें एक ही तरीका जो था 10-10 साल तक 20 साल तक चलता था, लेकिन अब नहीं चलता। कंपटीशन के अंदर अपनी स्ट्रैटेजीज को आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको पीछे कह के चुका हूँ, अपने कंपेटिटर को देखिए, उसकी गलतियाँ क्या हैं उनसे सीखिए, उसकी अच्छाइयों से सीखिए, उसकी सक्सेस सीखिए, और अपनी भी स्ट्रैटेजी को कॉन्स्टेंटली आपको चेंज पे चेंज पे चेंज करना है। कॉम्पिटिशन जो है वो वाकई में एक लड़ाई के मैदान से कम नहीं होता। जैसे लड़ाई के मैदान में आपको हर वक्त एक नई से नई चीज़ लेके आनी पड़ती है, इसी प्रकार से आपको सोचना पड़ेगा, घंटों घंटों तक आपको सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से मुझे आगे निकलना है। या तो आप नया प्रोडक्ट लेके आइए, या फिर आपको सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ नया रास्ता होगा। अगर आपके सामने एक दीवार है तो उसमें एक दरवाज़ा होगा, उस दरवाजे को खोलिए, नहीं खुलता है तो लॉक उसका तोड़िए, नहीं टूटता है तो सुरंग बनाइए, नहीं सुरंग बनती है तो दीवार को फांदिए, नहीं फांदते तो यहाँ से जाइए, वहाँ से जाइए, दीवार को तोड़िए। क्या पता आपने, हो सकता है कि आपने दरवाज़ा जो है उस दरवाजे को आपने खोलने की कोशिश ना की हो, उसके अंदर लॉक ही ना लगा हो। कोशिश तो कीजिए साहब, कुछ नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम देयर इज अ सॉल्यूशन। आपने कितने सॉल्यूशन ट्राई किए हैं? आपने 10 ट्राई किए तो 11वां होगा, आपने 20 ट्राई किए तो 21वां होगा, 22वां होगा, 23वां होगा, 24वां होगा। साहब ट्राई करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, कोई ना कोई सोल्यूशन आपका जरूर निकलेगा। यहाँ बैटल फील्ड में और मार्केटिंग फील्ड के अंदर थोड़ा सा फर्क है कि बैटल फील्ड के अंदर इंसान जाता है, यहाँ पर प्रोडक्ट जाते हैं। अगर आपने अपने आप को चेंज न किया तो क्या होगा, आपका प्रोडक्ट आउट होगा और आपको नुकसान होगा, ये संभव है, हो सकता है। तो अपने आप को चेंज कीजिए, हर वक्त सोचिए देयर मस्ट बी अ बेटर वे आउट, देयर मस्ट बी अ वे आउट, निकालिए उसको, ढूंढिए कैसे आपको अपने रास्ते को निकालना है, कॉम्पिटिशन को बीट करना है, आगे निकलना है। अंत में दोस्तों, अगर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, बिजनेस कोर्स को और पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को, तो ऊपर लिखे हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और वीडियोस का अगर आप चाहते हो, सब्सक्राइब बटन को आप हिट करना मत भूलना, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी आप हिट करना मत भूलना। और आप अपने व्यापारी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इसको लाइक कर सकते हैं, और मैं आपको इसी प्रकार से नई से नई से नई वीडियो मैं आपको बना के देता रहूंगा। हम लोग मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ऑफ इट इज इन शबक है, बी सिंह योग, गुड नाइट।